दोस्तों भारत एक अद्भुत देश है जहां अनेक धर्म, मान्यताएं, भाषाएं और संस्कृति है। प्राकृतिक रूप से संपन्न हमारे देश में आपको कई ऐसे किस्से और कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिस पर विश्वास नहीं होता। आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पिछले 500 सालों में कभी भी माचिस नहीं जलाई गई। ये बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि इस मंदिर में हर रोज भगवान की पूजा भी होती है, उनके आगे दीपक भी जलाया जाता है और धूपबत्ती भी जलाई जाती है। इस मंदिर में समय समय पर हवन भी होता है और रसोई घर में भगवान के लिए हर दिन भोग भी बनाया जाता है, लेकिन इनमें से किसी भी चीज के लिए आज तक मंदिर में माचिस नहीं जलाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मथुरा के पास वृंदावन के श्री राधा रमण मंदिर की, जहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण के राधा रमण स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि राधा रमण लालजू लगभग 500 साल पहले सालीग्राम शिला से यहाँ प्रकट हुए थे, तभी से इस मंदिर में राधा रमण स्वरूप में श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। दोस्तों यहाँ के पुजारी पुंडरीक गोस्वामी महाराज ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति से लगभग 482 साल पहले जब राधा रमण लालजू प्रकट हुए तो उनकी पूजा के लिए अग्नि की जरूरत थी। सुबह सुबह का समय था तो गोपाल भट्ट जी ने ऋग्वेद में अग्नि ऋचाओं का पाठ कर हवन की लकड़ियों को घिस कर अग्नि प्रज्वलित की। उसी प्रज्वलित हुई अग्नि को इस मंदिर में आज तक जला रखा है। इस अग्नि को ईंधन की मदद से जलाए रखा जाता है और आज तक इसी अग्नि से मंदिर की रसोई में भोजन बन रहा है। यानी 500 सालों से प्रज्वलित इस अग्नि को आज तक बुझने नहीं दिया है। स्वामी गोपाल भट्ट द्वारा शुरू की गई इस प्रथा को आज भी उनके अनुयायी इस मंदिर में चला रहे हैं। दोस्तों मंदिर में बनने वाले भोग से लेकर पूजा में प्रयोग की जाने वाले दीपक तक सब इसी अग्नि से प्रज्वलित किए जाते हैं। वैसे दोस्तों क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।